Hello students, today we see the next topic, that is the definition of frequency, wavelength, bandwidth and time period. So see the topic. First topic is frequency and wavelength. Okay, the definition of frequency and wavelength. See the first definition, that is frequency. What is the definition? The frequency is defined as the number of cycles of waveform पर सेकेंड. ठीक है, मीन्स क्या होता है, पर सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकल्स कंप्लीट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे वेवफॉर्म में भी दिया है, वन साइकिल कंप्लीट हो गई है पर सेकेंड में तो उतनी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द यूनिट्स यूज टू मेजर हाई फ्रीक्वेंसीज आर किलोहर्ट्स, मेगाहर्ट्स और गीगाहर्ट्स. वैसे तो नॉर्मल जो यूनिट रहता है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्स रहता है, बट अगर हायर फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करनी हो तो वो किलो हर्ट्स में रहती है, मेगा हर्ट्स में रहती है या फिर गीगा हर्ट्स में रहती है. तो उसका कन्वर्जन भी देख लो, अगर वन किलो हर्ट्स हो तो 1 × 10³ हर्ट्स होता है और इसको हम 1000 हर्ट्स भी लिख सकते हैं. वैसे ही 1 मेगा हर्ट्स रहा तो 1 × 10⁶ हर्ट्स और किलो हर्ट्स में ये. ठीक है, और 1 गीगाहर्ट्ज रहा तो 1 × 10⁹ हर्ट्ज और इधर मेगाहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी का. उसके बाद में टॉपिक जो है अपना, दैट इज वेवलेंथ. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ देखेंगे. ओके, नेक्स्ट है वेवलेंथ. वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द टाइम ऑफ वन साइकिल. मीन्स जो भी वन साइकिल होती है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, वो साइकिल कंप्लीट करने को क्या लगता है, जो डिस्टेंस लगता है इधर से यहाँ तक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ डिनोट करते हैं लैम्बडा, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा. उसके बाद में देखो उसका फॉर्मूला भी जो है दिया है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ. इधर सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी एफ मीन्स हर्ट्स. ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है वेवलेंथ का वो होता है मीटर. ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट है मीटर. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और बैंडविड्थ. देन सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ, दैट इज एफ टू माइनस एफ वन. ओके, सी द डायग्राम. दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20 हर्ट्स एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी इट इज 15 किलो हर्ट्स. ओके, द बैंडविड्थ विल बी डिनोटेड एज द BW. ओके, देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज एफ टू माइनस एफ वन. देन सी द एफ टू विल बी 15 किलो हर्ट्स एंड देन एफ वन विल बी 20 हर्ट्स. देन टेक द माइनस, माइनस करो तो क्या आएगा, दैट इज, दिस इज द आंसर फॉर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. ओके, सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, दैट इज द बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड द सिग्नल. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें जो पोर्शन होता है, जो सिग्नल क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द बैंडविड्थ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है, बैंडविड्थ कैन डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एट ट्रांसमिशन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड. ठीक है, बैंडविड्थ किसको बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज. फ्रीक्वेंसी रेंज की जो क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल जो भी है हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द बैंडविड्थ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूले के ऊपर से, दैट इज बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट्स ऑफ द
सिग्नल. ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है एफ टू माइनस एफ वन. ओके, एफ टू मीन्स इट इज द अपर फ्रिक्वेंसी एंड एफ वन इट इज द लोअर फ्रिक्वेंसी. ओके, देन सी द टाइप्स ऑफ द सिग्नल, देन रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स एंड इट्स बैंडविड्थ. तो फर्स्ट है सिग्नल, अपना वॉइस सिग्नल होता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो है 300 टू 3400 हर्ट्स और उसकी बैंडविड्थ जो है वो है 3100 हर्ट्स. ओके, देन म्यूजिक सिग्नल की जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की वो है 20 to 15,000 हर्ट्स और बैंडविड्थ है 14,980 हर्ट्स. ओके, नेक्स्ट जो सिग्नल है अपना वो है टीवी सिग्नल, उसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो है 0 to 5 मेगाहर्ट्स रहती है और बैंडविड्थ भी उसकी सेम रहती है, दैट इज 5 मेगाहर्ट्स. ओके, देन है डिजिटल डेटा, उसकी जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो है 300 up to 3400 हर्ट्स और बैंडविड्थ भी सेम है जो अपनी वॉइस सिग्नल की थी. ओके, सो नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, वो है अपना टाइम पीरियड. देन सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज टाइम पीरियड. अ टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन साइकिल. वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो भी क्या लगता है टाइम पीरियड लगता है उसके उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड जो है अपना वो डिनोट किया जाता है टी से. ओके, और जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच में वो है टी इज इक्वल्स टू 1/f. ओके, दिस टाइम इज proportional to inversely proportional to the frequency and frequency is also inversely proportional to the time period. Okay, then see the different frequency bands. These bands जो frequency bands are very important और ये जो frequency bands है आप लोगों को exam में भी पूछते हैं बहुत बार, exam में ये question आता है, तो ये जो है frequency bands आपको लर्न करनी पड़ेगी. ये जो टेबल है तो देखिए, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी जो है 30 to 300 हर्ट्स तक होती है, वेवलेंथ उसकी रहती है 10^7 to 10^6 मीटर तक रहती है. ठीक है, उसके बाद में वॉइस फ्रिक्वेंसी जो है अपनी उसकी फ्रिक्वेंसी 300 to 3000 हर्ट्स तक होती है और वेवलेंथ 10^8 to 10^5 मीटर तक होती है. ओके, उसके बाद है वेरी लो फ्रिक्वेंसी. वेरी लो फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है वो 3 to 30 kHz तक होती है और वेवलेंथ 10^5 to 10^4 मीटर तक होती है. उसके बाद में फोर्थ है लो फ्रिक्वेंसी. लो फ्रिक्वेंसी जो है आपकी 30 to 300 kHz तक होती है और उसका जो वेवलेंथ है वो रहता है 10^4 to 10^3 मीटर तक. नेक्स्ट है मीडियम फ्रिक्वेंसी. द फ्रिक्वेंसी रेंज विल बी 300 to 3000 kHz एंड वेवलेंथ विल बी 10^3 to 10^2 मीटर. देन नेक्स्ट है दैट इज हाई फ्रिक्वेंसी. द हाई फ्रिक्वेंसी रेंज इज 3 to 30 मेगाहर्ट्स और वेवलेंथ इट इज 10^2 to 10 मीटर. देन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. द फ्रिक्वेंसी इज 30 to 300 मेगाहर्ट्स एंड वेवलेंथ इज 10 to 1 मीटर. देन सी द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी रेंज इज 300 to 3000 मेगाहर्ट्स एंड वेवलेंथ इज 1 to 10^-1 मीटर. देन सुपर हाई फ्रिक्वेंसी. देन फ्रिक्वेंसी रेंज इज 3 to 30 गीगाहर्ट्स एंड वेवलेंथ रेंज इज 10^-1 to 10^-2 मीटर. नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी. द रेंज इज फ्रिक्वेंसी रेंज इज 30 to 300 गीगाहर्ट्स. वेवलेंथ इज 10^-2 to 10^-3 मीटर. देन इंफ्रारेड इट इज 30 to 430 टेराहर्ट्स एंड वेवलेंथ इज 0.7 to 10
माइक्रोमीटर, और विजिबल लाइट की रेंज है 375 to 750 टेराहर्ट्स, और वेवलेंथ है 0.4 to 0.8 माइक्रोमीटर। ओके, सो ये है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।